नमस्कार, आप देख रहे हैं एकेडमी फ्लोर इंडिया। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं कर्मवीर सैनी जी, जो कि चेयरमैन है और प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। सर नमस्कार, स्वागत है। आप आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किन मुद्दों को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हमने प्रमुख तौर से जो हमारे मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल के इतिहास में जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की है और जिनका लाभ जो है जनता उठा रही है और जो विकास कार्य किए हैं उनको लेकर के घर घर जा कर के हर बूथ पे जा कर के प्रचार प्रसार करने का फैसला लिया है जी। और 21 जुलाई को हम भिलवाड़ा गांव से एक जन समर्थन पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें उस पदयात्रा के तहत हर गांव में जनसभा भी करेंगे और घर घर जा कर के हम कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराएंगे। कोई वंचित रह गया हो तो उसका भी पूरा लाभ जो उन लोगों को दिलाने का काम करेंगे। हाल फिलहाल कांग्रेस एक हिसाब जो है कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब की यात्रा के निकाली हुई है, तो जो हरियाणा के जो जवाब है वो किस तरह से आप दे पा रहे हैं उसको, जो हिसाब मांगे कांग्रेस? कांग्रेस क्या हिसाब मांगेगी? कांग्रेस तो करप्शन की एक घराना है। कांग्रेस तो करप्शन को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा व्यवसाय बनाया राजनीति को, और ये भारतीय जनता पार्टी है जो जनसेवा करना चाहती है, जनसेवा कर रही है। वो क्या हिसाब मांगेंगे? हिसाब तो हम मांगेंगे पिछले 10 साल का उन्होंने किया क्या है, कितना करप्शन किया है, कितनी जमीनें हड़पी हैं, कितना क्या क्या किया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल साफ सुथरी पार्टी है, तो साफ सुथरा लेखा जोखा है उसने पिछले 10 साल का। अगर इतिहास उठा के देखें कितने बड़े बड़े नेशनल हाईवे निकालने का काम किया, चाहे TMT से लेके कटरा तक का है, चाहे फिर 152D है, चाहे फिर PGI है जींद में, कितना बड़ा हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया है, कितने बड़े ऊपरगामी पुल बनाए गए हैं, बहुत सारा विकास हुआ है। आज लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बने हैं, जो बीमारी के कारण लोगों की डेथ हो जाती थी, परंतु आज बीमारी की वजह से किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत नहीं आएगी लोगों, क्योंकि आयुष्मान कार्ड बनाया तो 5 लाख तक का बीमा फ्री है। इसी तरीके से BPL कार्ड की सुविधा है, फिर 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है, फिर बैकवर्ड भाइयों के लिए अलग सुविधा दी गई है, तो हर समाज के तबके के लिए हर तरह की सुविधा दी गई है। तो इसलिए आज कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, कांग्रेस ना इनका जवाब दे सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत समय को फैसले किए हैं, गिनाने लग गए तो 7 दिन लग जाएगा। लोकसभा चुनाव की बात करें तो BJP का ग्राफ डाउन गया है, तो क्या विधानसभा में कौन सा ऐसा परमास्टर छोड़ेंगे जो कि आप इसको रिकवर कर पाए? भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी, आज भी नंबर 1 पे है। 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और 42 पे कांग्रेस जीती है, तो इसलिए आज भी 2 सीट फालतू है। फिर इतने साल से सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, तो थोड़ा बहुत इनकम्बेंट से थी वो दूर हो गई है। अब दोबारा से जो जनसमर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि ऐसे फैसले अभी नायब सैनी जी ने, मुख्यमंत्री महोदय जी ने जनता के हित में फैसले लिए हैं। अब बिल्कुल सारी जनता में उत्साह और जोश है। आप काफी टाइम से BJP में हैं, उससे पहले आप कांग्रेस में भी थे और लंबा आपका राजनीतिक अनुभव है, तो आप अपनी दावेदारी कहाँ से मजबूत मान रहे हैं? अगर पार्टी ने मौका दिया तो मैं तो सफेदों से चुनाव लड़ना चाहूंगा, क्योंकि पहले मैंने वहां से चुनाव लड़े थे और थोड़ी वोटों के अंतर से मैं हारा था, तो इसलिए अगर पार्टी मेरे को मौका देगी तो मैं सफेदों से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अभी जो आप यात्रा शुरू करेंगे कहाँ से कहाँ तक और किस जिन जगहों से? ये डिडवाड़ा से लेकर के 50 के करीब गांव से निकलेगी और इसका समापन जो है वो मुआना गांव में होगा। मुआना गांव में 25 तारीख को 5:30 बजे जो है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री मोहनलाल करोली जी और समापन समारोह में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कर्मवीर सैनी, जो कि कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं और एक वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं और लंबा इनका अनुभव है। देखने वाली बात यह होगी कि राजनीति में आगे क्या घटनाक्रम होता है, क्या इनको BJP मौका देती है और एक चांस संविधान हल्का की तरफ से इनको मिलता है। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। मैंने डाला एक न्यूज के लिए जींस।